भारत आ रहे एक जहाज पर शनिवार को लाल सागर में मिसाइल अटैक हुआ। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। जहाज का नाम एंड्रोमेडा स्टार बताया गया है। ये तेल लेकर भारत आ रहा था। शिप के मास्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आ रहे जहाज पर दो बार हमले हुए। इस दौरान हूतियों ने कई मिसाइलें दागी। हालांकि पहले हमले में दागी गई मिसाइलें जहाज पर ना गिरकर उसके नजदीक समुद्र में गिरी। दूसरे हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। लाल सागर में जहाज पर हमला कई दिनों की शांति के बाद अचानक हुआ। इससे पहले इसराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज को हुर्मुज़ पास से कब्जे में ले लिया था। ईरान ने कहा था कि वो बिना मंजूरी उनकी समुद्री सीमा में घुसा था। जहाज के क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी थे। ईरान ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों और भारत की एक महिला क्रू मेंबर को छोड़ दिया, जबकि बाकी 16 भारतीय अभी भी ईरान की कैद में हैं।